हमने चौके छक्के सबसे कम लगाए हैं इस टूर्नामेंट में, इसी तरह से रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करते तो है मिडल ऑर्डर, में इसको और ज्यादा अच्छा करना है जी। और कोशिश यही करनी है कि आप जो आपका अंदाज है उसी को अपनाएं, इस वक्त कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं, वो सेट हो जाएंगे तो आप एकदम से टेम्पो कहीं से कहीं ले जाएंगे, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। शायद नया गेंद अगर आप नवाज से करवाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज तो वसीम जूनियर की जगह बनती है, क्योंकि अगर पिच पे बाउंस होगा तो आपको एक पेसर तो खिलाने खिलाना है, और उनको बॉलिंग ठीक करनी है, नया बॉल उन्हीं को करना पड़े, क्योंकि हसन अली तो इंडिस्पोज्ड है, वो ठीक नहीं है। जिसको मौका मिला है उसने ऐसे अपनी करियर का आखिरी मैच खेल रहा है, अब ये चारों मैच ऐसे पाकिस्तान ने खेलने अपने आखिरी के कि जैसे कि सारी तारो मदार इनके करियर का इन चार मैचेस पे पड़ता है। रवि भाई, आज के मैच के वाले से अगर बात करें तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट क्रिकेट खेल रही है, और जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, खासतौर पर उनके बैटर वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान की क्रिकेट हम सब के सामने है कि काफ़ी बिट्स एंड पीसीज में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी, क्या लगता है आपको, क्या आज पाकिस्तान डिफरेंट कर सकता है, और कोई पॉजिटिव है जिसको लेके वो मैदान में आएंगे? पाकिस्तान के हक में डेस्परेशन है, क्योंकि पाकिस्तान जब डेस्परेट होता है ना एज क्रिकेट टीम तो ये अपनी कई दफा बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, अपने से बढ़ के खेलते हैं। दूसरा, फील्डिंग अच्छी करनी है, बॉलिंग बहुत बेहतर, लाइन के अंदर विकेटों के बीच में लेग बॉल करना है। इस पिच पे थोड़ा सा ज्यादा बाउंस होगा, क्योंकि ये वो वाली मैच है जहां न्यूजीलैंड खेला था, और पिछले मैच से ज्यादा बाउंस मिलना चाहिए, बट बाउंस उस वक्त तक फायदेमंद है जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और ठीक तरह से करेंगे। सो पाकिस्तान को हर चीज रीबूट करनी है, बॉडी लैंग्वेज से लेके बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों शोबों में अपनी गेम को कम अज कम 20-30% उठाना है। साउथ अफ्रीका बड़ा हार्ड ओपोनेंट है, देखिए मेंटली स्ट्रांग है, अपनी क्रिकेट अपनी बेहतरीन खेल रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं और हेडलाइंस लगा रहे हैं लंबे स्कोर करके। सो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो टीम वैसे ही ऑपोजिशन नीचे बैठ जाती है, और इसलिए कि सबसे ज्यादा छक्के मारे इन्होंने आखिरी के 10 ओवर्स में। और पाकिस्तान, बाय द वे, पाकिस्तान का रिकॉर्ड एज अ फिनिशिंग बॉलिंग बहुत अच्छा है, आउट भी किए हैं, विकेटें भी लिए हैं और रन रेट भी ड्रॉप किया है। काश ये मैच 25 ओवर से शुरू होता तो पाकिस्तान एडवांटेज होता, एनीवे तो साउथ अफ्रीका आज एज फेवरेट शुरू करेंगे। अच्छा रमीज सर, जब हम टीम चेंजिंग की बात करते हैं, कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, तो साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो है वो रिकवर कर चुके हैं और पाकिस्तानी तो चाहेंगे कि वो खेलें। अगर शम्सी की बात करें तो वो भी फर्स्ट चॉइस होंगे, और ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पर फंसती है। आप क्या समझते हैं कि आज क्या चेंजेस करनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं? ये पास ऑप्शंस तो कम ही है ना, एक स्पिनर अगर बाहर जाएंगे, उसामा मीर फॉर एग्जांपल या शादाब, तो एक स्पिनर आ जाते हैं, मगर स्पिन डिपार्टमेंट हमारा कहना नहीं चाहिए स्टेटिस्टिकली बड़ा, बहुत ही डिप्रेसिंग नंबर्स हैं जी। सारे कंट्रीज में सबसे कम परफॉर्मेंस हमारे स्पिन डिपार्टमेंट की है, सो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। शायद नया गेंद अगर आप नवाज से करवाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज तो वसीम जूनियर की जगह बनती है, क्योंकि अगर पिच पे बाउंस होगा तो आपको एक पेसर तो खिलाने खिलाना है, और उनको बॉलिंग ठीक करनी है, नया बॉल उन्हीं को करना पड़े, क्योंकि हसन अली तो इंडिस्पोज्ड है, वो ठीक नहीं है, तबीयत खराब है उनकी। ओवरऑल सारे चीजों के ऊपर देखें, अब वो सोचने का ये नहीं है कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जिसको मौका मिला है उसने ऐसे ऐसे अपनी करियर का आखिरी मैच खेल रहा है, अब ये चारों मैच ऐसे पाकिस्तान ने खेलने अपने आखिरी के कि जैसे कि सारी तारो मदार इनके करियर का इन चार मैचेस पे पड़ता है। अच्छा रमीज भाई, अगर पिच के वाले से बात करें तो ऑब्वियसली पिच आप क्लोजली देख चुके हैं, चेन्नई का पहला भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की गेम खेल चुका है, एक तो टोटल के वाले से बताइए, और इस अगर पिच के वाले से भी आप बताइए सेम पिच है या डिफरेंट पे मैच खेला जाएगा, और दूसरा इसमें ये बताइए कि हम देख चुके हैं कि साउथ अफ्रीका भी जितना भी बड़े टोटल लगाए हैं पहले खेलते हुए लगाए हैं, और एक मैच में चेज़ किया नेदरलैंड के गेस, उसमें वो हार गए, तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान की अप्रोच यही होनी चाहिए कि टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करे और उनको फिर चेज़ की ऑप्शन दे? देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरह से पाकिस्तान को तैयार रहना है, रन चेस के लिए भी और चेस सेट करने के लिए भी। दूसरा ये कि आई थिंक साइडवेज मूवमेंट इसलिए कम होगी, चाहे अगर घास थोड़ा सा होता है, बाउंस भी होता है, क्योंकि इतना गर्म वेदर है कि जितनी आपकी नमी है ना हवा में वो किल हो जाती है, वो इवनिंग में ही होती है। सो मैं समझता हूँ कि जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले खेलना चाहिए और रन्स करने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि पहले बॉल से हिटें मारनी शुरू कर दें, अपनी काबिलियत और अपनी टेक्निक के हिसाब से
जैसे ये खेलते रहे हैं, और वनडे क्रिकेट पता है सारी दुनिया को पाकिस्तान कैसे खेलते रहे हैं कि विकेटें हाथ में रख के और पार्टनरशिप्स के थ्रू और आखिरी चार या आठ या दस ओवर्स में फिर ये विप को क्रैक करते हैं। तो इसी तरह से इनको खेलना है, क्योंकि ये अभी डीएनए ऑल्टर करने वाले नहीं है माहौल कि आप कहें कि जी आप पहले बॉल से छक्के चौके लगाने शुरू करते हैं। हाँ जरूर आपके दोनों ओपनर्स जो है वो फिर भी पार्टनरशिप लगा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे हैं, सो उनको अपनी फॉर्म जाया नहीं करनी है, ये बड़ा जरूरी है। अगर वो फंस भी रहे हैं और रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अफ्रीका का नए बॉल पे वो हमला करेंगे तीन चार ओवर्स, साउथ अफ्रीका की जो वीकनेस है वो आखिरी के दस ओवर्स में, तो पाकिस्तान को वो कैश इन करना चाहिए क्योंकि डेथ ओवर्स में इनको मार पड़ रही है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, दैट रियली मैटर्स इन क्रिकेट। हमने देखा कि श्रीलंका की टीम को हमने बड़ा ही पॉजिटिव देखा, और वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले वो हमें नजर भी आया ग्राउंड में। आप क्या समझते हैं आज पाकिस्तानी टीम को किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए? क्या टोटल अग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए, या वही कन्वेंशनल बेसिक स्टाइल होना चाहिए और बेसिक को ही इम्प्रूव करते रहना चाहिए? देखिए ये क्रिकेट में बैटिंग हो या बॉलिंग हो, इसमें रिदम बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिदम से मुराद ये आप डॉट बॉल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल लें और चार भी लगाएं। पाकिस्तान को दोनों चीजों की जरूरत है। हमने चौके छक्के सबसे कम लगाए हैं इस टूर्नामेंट में, इसी तरह से रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करते तो है मिडल ऑर्डर, बट इसको और ज्यादा अच्छा करना है और कोशिश यही करनी है कि आप जो आपका अंदाज है उसी को अपनाएं। इस वक्त कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं, वो सेट हो जाएंगे तो आप एकदम से टेम्पो कहीं से कहीं ले जाएंगे। सो एक वार्नर का 100 था और एक मैक्सवेल का 100 था, तो अगर आप वार्नर के 100 के साथ चलते हैं, अगर आप अब्दुल्ला शफीक हैं, तो फिर आपको एंड में शायद एक मैक्सवेल जैसा 100 करके दे दे, या साउथ शकील जो है उनका अच्छा दिन होगा तो वो अच्छी बैटिंग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसी अंदाज से चलना है और कोशिश यही करनी है 325 से 350 का स्कोर करें अगर पहले बैटिंग आती है।